किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। खास करके बिहार के किसान सरकार की नीतियों को समझते हैं और वास्तव में बिहार के किसानों के मेहनत के कारण ही बिहार को दो दो बार तीन तीन बार करमना पुरस्कार भी मिला है। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपने गृह क्षेत्र यानी कटिहार के दो दिवसीय दौरे पर थे। शहर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। अभिनंदन समारोह से निकलते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत कर कहा कि अन्य दल भारत सरकार के किसान कानून के विरोध में किसानों को बरगलाने और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसान किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। वो सरकार की नीतियों को समझते हैं। नहीं देखिए, अभी जो केंद्र सरकार ने किसानों के हित में जो तीन बिल पारित किए हैं और उसके कारण जो दिल्ली की सीमा पर जो किसानों के नेता के रूप में तथाकथित लोगों ने जो उसको धरना देने का काम किया है और वो जिस प्रकार से पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो गलत है और किसानों के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 6000 रुपये की राशि भी किसानों के खाते में जा रही है, उनके खेतों तक बिजली का फीडर भी पहुंचा रहे हैं, जो अधिकतम समर्थन मूल्य है उस पर खरीद की भी सरकार ने योजना बनाई है और मंडी में और मंडी के बाहर भी वे अपने उपज को बेच सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए उन्हें भ्रमित करके किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है और जो इस तरह के प्रस्ताव से सहमत थे वे दल भी आज राजनीतिक दृष्टि से उनके साथ हो गए हैं, उसकी हम सब निंदा करते हैं और किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। खास करके बिहार के किसान सरकार की नीतियों को समझते हैं और वास्तव में बिहार के किसानों के मेहनत के कारण ही बिहार को दो दो बार तीन तीन बार करमना पुरस्कार भी मिला है। हालांकि बिहार में भी विपक्षी दलों ने भारत बंद के दिन सड़क पर उतरकर किसान आंदोलन का साथ दिया था, जिसको लेकर बीजेपी अब चौकन्नी हो चुकी है। किसान आंदोलन के जवाब में देश भर में बीजेपी का किसान सम्मेलन जारी है। बिहार में भी बीजेपी नेता कार्यक्रमों के जरिए किसानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि भारत सरकार कब और कैसे किसान आंदोलन में मौजूद किसानों को समझाएगी और मना पाएगी। कटिहार से विपुल राहुल, बिहार तक।